हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो वो मार्केट लीडर होना चाहिए, मतलब उस सेक्टर में उसकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपका पैसा कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉलिड सेक्टर से बिलोंग करते होंगे और उस सेक्टर के हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके के स्टॉक होंगे। आज इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ऑलरेडी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है और लगातार पैसा बना के दिखाया है और आगे भी बहुत ही जल्दी काबिलियत है इसके अंदर कि इसी तरीके से आगे परफॉर्म करके दिखाएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जानते हैं कौन सा है वो स्टॉक। तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा कि एस्ट्रल लिमिटेड, एस्ट्रल पॉली बहुत ही शानदार स्टॉक में से एक आपको बहुत बार ये रिकमेंडेशन बताया गया है। मैंने ऑलरेडी एक दो बार वीडियो बनाया है जब ये बहुत नीचे के लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई भी ज़्यादा खास परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिली। 2,081 रुपए के आसपास का ये स्टॉक आपको अभी भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग बात करें एक साल के रिटर्न की तो आप लोग देखेंगे कि लगभग 200% के रिटर्न इसने एक साल में ही प्रोवाइड करा के दिखा दिए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल केवल एक साल में ही इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये लगातार आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। क्योंकि 5 साल में आप लोग देखेंगे कि लगभग 601% के रिटर्न इस स्टॉक ने हम लोगों को प्रोवाइड करा के दिखाए हैं। अगर हम लोग बात करें मैक्स रिटर्न की तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि 32,000% के रिटर्न ऑलरेडी ये बना के दिखा चुका है, मतलब कि आपके पैसे को 320 गुने से ज्यादा ऑलरेडी इसने करके दिखा दिया है। और बहुत ज्यादा काबिलियत है इसके अंदर कि आगे भी आपके पैसों को इसी तरीके से बढ़ा सके। क्योंकि अगर आप लोग बात करेंगे इसके पीयर कंपैरिजन में तो सबसे बड़ा मार्केट लीडर पाइप सेक्टर में आपको यही कंपनी देखने को मिलेगी। मार्केट कैप 41,823 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। इसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी जो कि 26,000 के आसपास का मार्केट कैप देखती है। उसके बाद फिनोलेक्स जो कि 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, तो मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि सारे के सारे अदर कंपनियों को अगर हम लोग जोड़ भी दें तो जाके इस कंपनी का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। अगर ये कंपनी आने वाले टाइम में ये सेक्टर नहीं चला तो आप लोग यही समझ सकते हैं कि सारे के सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि मार्केट लीडर अगर आपने चुना है, अगर वही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उस सेक्टर का कोई भी स्टॉक आपको यही बताएगा कि वो सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा है। तो इस रीजन से आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये स्टॉक डूबेगा, मतलब कि आगे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा अगर ये सेक्टर, तो एस्ट्रल पॉली अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो सारे के सारे जितने भी पीयर कंपैरिजन है, पीयर स्टॉक है, वो कोई भी अच्छा परफॉर्म करने नहीं वाले हैं। हालांकि ये कंपनी आप लोग देख सकते हैं लगातार किस तरीके से परफॉर्म करके आ रही है। डेप्थ कंपनी का हम लोग बोल सकते हैं एकदम ना के बराबर है, कोई भी कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है। कंपनी फंड का बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करती है। आरओसी देख सकते हैं 30% के आसपास की देखने को मिलेगी और रिटर्न ऑन इक्विटी 23.8% के आसपास की देखने को मिलेगी। कंपनी ने लगातार कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप लोग देखेंगे 2010 में जहां कंपनी के सेल्स हुआ करते थे 281 करोड़ के आसपास के, और कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करती थी 28 करोड़, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कंपनी ने किस तरीके का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट देखिए किस तरीके से ग्रो हो रहा है। 2010 में भी आप लोग अगर इस प्रोसेस को समझ पाते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ग्रो हो रही है और आगे बहुत ही ज़्यादा ग्रो होती हुई नजर आएगी, तो आप लोग बहुत पहले इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर चुके होते और बहुत बढ़िया पैसा बना चुके होते। 2011 में वही प्रॉफिट 33 करोड़ का हो गया, मतलब कि कंपनी ने ग्रो किया। 2012 में 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया। कभी भी आप लोग देखेंगे कि कंपनी ने पिछले साल से कम अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिखाया है। इसीलिए आप लोग 2021 में भी देख सकते हैं कि 404 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। अगर हम लोग बात करें ईपीएस ग्रोथ की तो उसमें भी देखेंगे 1.47 की ईपीएस पे कामकाज करता था 2010 में, जो कि अब 20 रुपए की ईपीएस पे कामकाज होने लगा है। कंपनी के स्टॉक ने पिछले 10 सालों से लगातार 56% के एवरेज रिटर्न हम लोगों को प्रोवाइड करा के दिखाए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करके दिखा चुका है तो आगे वाले टाइम में नहीं करके दिखाएगा। हम लोगों को हमेशा ही लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। कोई भी स्टॉक जब अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ग्रो करने के लिए। क्योंकि जब आप लोग कोई छोटा अमाउंट लगाते हैं, मान लीजिए एक स्टॉक लिया आप लोगों ने 2,000 का ही लिया, लेकिन जब वो अमाउंट बड़ा हो जाएगा, वो स्टॉक ग्रो करते हुए 5-6 हज़ार रुपये का हो जाएगा, तब आप लोग सोचिए कि आपका जो 1% होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा टाइम दिया करिए, किसी बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है। इसी वजह से स्टॉक में भी आपको एकदम से रैली देखने को नहीं मिलती है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में
ऑलरेडी बहुत दिनों से हैं तो समझ सकते होंगे कि 365 दिन आप लोगों को कोई स्टॉक परफॉर्म करके नहीं दिखाएगा, लेकिन एक दो दिन ऐसे आते हैं स्टॉक में जब आपको अपर सर्किट बिलकते हुए दिखाई देते हैं और 30-40% रिटर्न वो उन्हीं दोनों ट्रेडिंग सेशंस में दे देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, केवल अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में लगातार ऐड करना है और केवल छोड़ देना है। केवल वेट करने पे ही आपको बड़ा अमाउंट बनता हुआ दिखाई देगा। आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो में बड़ा अमाउंट देख सकते हैं छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि कंपाउंडिंग का इन्वेस्टमेंट में केवल और केवल इतना ही रोल होता है कि आप लोगों ने किस क्वालिटी के कंपनी पे परफॉर्म पैसे लगाए हैं और आगे चल के वो कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। भले ही उसमें आप लोग का इन्वेस्टमेंट कितना भी हो, चाहे 10,000 हो, 50,000 हो, 1,000 लाख हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपने 10,000 भी लगाए हैं तो आगे आने वाले टाइम में वो भी उतना ही गुना मल्टीपल हो जाएंगे जितना आप लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके लगाएंगे। तो आप लोग छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप लोग हैवी अमाउंट किसी भी स्टॉक में लगा दीजिए आंख बंद करके। कंपनी बहुत ही शानदार है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर आप लोग एक बार अपने एनालिस्ट से राय ले लीजिएगा। अभी भी आप लोग देखेंगे कि 2042 रुपए के आसपास की एक स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म करके इसने 2 साल में दिखा दिया है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ ये स्टॉक दिखाएगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको इसी तरीके की रैली देखने को मिलेगी, चाहे वो 1 साल का हो जाएगा या फिर चाहे 5 साल का हम लोग ले लें या फिर चाहे मैक्स ले लें। अगर आप लोग ने वो स्टॉक थोड़े दिनों के लिए भी होल्ड करके रखा अपने पोर्टफोलियो में तो पॉजिटिव रिटर्न आपको ऐसे स्टॉक्स जरूर देंगे, क्योंकि ये सब मार्केट लीडर हैं। अगर ये अंडर परफॉर्म करेंगे तो ये सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा होगा, तभी ये स्टॉक में अच्छे रिटर्न बनते हुए नहीं दिखाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के साथ जो कि आपको बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिखा सकें और फ्यूचर में आपकी वेल्थ क्रिएशन में मदद हो सके। तब तक के लिए बाय बाय।